हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार टी आर्मी चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। फिर दोस्तों, हम बात करते हैं टी आर्मी की। तो दोस्तों, इसमें हम टी आर्मी नहीं इको टी आर्मी की बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इको टी की संपूर्ण जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। तो दोस्तों, जो इको होता है इसका अर्थ होता है पर्यावरण। तो दोस्तों, जो पर्यावरण तो दोस्तों जो पर्यावरण सेना बोलते हैं एक प्रकार से इसे, यानी कि दोस्तों ये पर्यावरण रक्षक होते हैं, यानी दोस्तों पेड़ लगाने का कार्य भी करती है इको टी ए। और दोस्तों, गंगा सफाई अभियान में भी इन्होंने सहयोग किया था। तो दोस्तों, इको को इकोलॉजिकल भी बोलते हैं, यानी पारिस्थितिक सेना। तो दोस्तों, हम आज विस्तार से बात करते हैं इको की। तो दोस्तों, सबसे पहली भर्ती जो है दोस्तों, इस वीडियो हम सभी जानकारी देंगे। इसमें दोस्तों, अब मेल और फीमेल दोनों इको टी ए में अप्लाई कर सकते हैं, एक्स सर्विसमैन और फीमेल जो सर्विस कर चुकी है पर्यावरण डिपार्टमेंट में और वन विभाग में। तो दोस्तों, जो 11 से 15 फरवरी देहरादून होने वाली है इस भर्ती में, दोस्तों फीमेल कैंडिडेट भी भाग ले सकती है। तो दोस्तों, ये दो नंबर जो भर्ती है ये मोहनगढ़ जैसलमेर जो मेल में जो हो चुकी है दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसके एक आपको पूरा नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और समझाऊंगा कि दोस्तों कैसे महिलाएं भाग ले सकती हैं। तो दोस्तों, अब की बार जो नए रूल लागू किए गए हैं उसमें इको टी ए में महिलाएं भी भाग ले सकती है। चलिए दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें दे रखा है कि जो मोहनगढ़ जिला जैसलमेर में जो 7 से 10 जनवरी तक जो भर्ती हुई है 128 पैदल सेना वाहिनी की। तो दोस्तों, इसमें दे रखा है कि देखो दोस्तों, ये दे रखा पर्यावरण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के वन विभाग से सेवा निमित्त महिलाएं पात्र है। तो दोस्तों, केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय और राज्य सरकार के वन विभाग से सेवा निमित्त महिलाएं पात्र हैं। तो दोस्तों, वो भी भाग ले सकती है इको टी ए में। तो दोस्तों, ये अब की बार से ही रूल लागू किया गया है। तो दोस्तों, ये जो भर्ती हो चुकी है इसमें भी महिलाएं भाग ले सकती थी। तो दोस्तों, हम आगे बात करते हैं और भर्तियों की जो बची हुई है अभी। दोस्तों, हम आगे बात करते हैं दोस्तों, ये तीन नंबर भर्ती जो इको दाखिली है दोस्तों, 21 से 23 जनवरी 2019 को जम्मू कश्मीर में होने वाली है। तो दोस्तों, ये भर्ती जो है सर्विसमैन और पर्यावरण विभाग और वन विभाग से रिटायरमेंट महिलाएं भी इस भर्तियों में भाग ले सकती है। तो दोस्तों, नंबर 4 130 इन्फेंट्री के है दोस्तों, ये 4 से 9 फरवरी 2019 को पिथौरागढ़ में होने वाली है। दोस्तों, इस की वीडियो भी हम जल्दी अपडेट कर देंगे। और दोस्तों, ये 5 नंबर 132 टी ए इको, ये दोस्तों 4 से 6 फरवरी वाटी माइंस न्यू दिल्ली में होने वाली है। तो दोस्तों, इसके बारे में आपको एक और नोटिस देता हूँ नया कि दोस्तों, इसमें एक्स सर्विसमैन नहीं आते हैं। तो दोस्तों, न्यू फ्रेश कैंडिडेट के लिए ये भर्ती दे दी जाएगी, यानी न्यू फ्रेश कैंडिडेटों को जो जोन एक में आते हैं उनको ये भर्ती दे दी जाएगी। अब दोस्तों, हम आगे बात करते हैं 6 नंबर भर्ती की, जो कि 133 इन्फेंट्री की है और ये दोस्तों 27 से 31 जनवरी 2019 को कुफरी शिमला में होने वाली है एक्स सर्विसमैनों के लिए। बात करते हैं दोस्तों, 7 नंबर 134 इन्फेंट्री, इसमें दोस्तों 29 से 31 जनवरी 2019 सोनितपुर आसाम जोन 3 के लिए दोस्तों ये भर्ती। और दोस्तों, ये 8 नंबर 135, ये दोस्तों 29 से 31 जनवरी 2019 आसाम में होगी, ये भी दोस्तों जोन 3 के लिए है। तो दोस्तों हमने अभी जिन भर्तियों की बात की है, जो भर्ती जिस जोन में आती है उस जोन वाले ही एक्स सर्विसमैन या महिलाएं इस भर्ती में भाग ले सकती है। तो दोस्तों साथ ही मैं इस भर्ती का नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का तरीका बता देता हूँ। जो भी इको टी ए की जो भर्ती है एक्स सर्विसमैन और महिलाओं के लिए, दोस्तों इस नोटिस को डाउनलोड करने के लिए दोस्तों टी ए आर्मी चैनल की ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर आप इस नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना दोस्तों।